क्या हाल है टेस्ट पार्टनर्स, मैं टेंजी स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल टेस्ट पार्टनर में। दोस्तों जो रेसिपी मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ ना, बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। हम उसे दो तरीके से बनाएंगे, आपका जो मन चाहे आप वो ट्राई कीजिएगा। दोस्तों ये जो रेसिपी है ये है फिश करी की, वो भी विदाउट फिश। जी हाँ दोस्तों, आज हम फिश करी बनाएंगे, वो भी बिना मछली के, बिना फिश के। ये है वेजिटेरियन फिश करी। दोस्तों ये बहुत पुरानी रेसिपी है, कहते हैं कायस्थ कम्युनिटी के लोगों ने इसकी शुरुआत की थी, और जब वो मुगलों के टाइम पे मीट नहीं खाया करते थे कुछ लोग, तो उन्होंने फिश को रिप्लेस किया कच्चे केले से। जी हाँ दोस्तों, रॉ बनाना से हम ये फिश करी बनाएंगे, खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। इसका टेस्ट जो है फिश जैसा ही आता है, और देखने में देखिए कितनी लाजवाब है ना। दोस्तों यही रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, दो तरीके से करूँगा, आपको जो पसंद आए तरीका वही बनाइएगा, और ज़रूर बनाइएगा अच्छी लगे तो, और इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम कच्चे केले से ये रेसिपी बनाएंगे, तो मैंने कुछ कच्चे केले लिए हैं। आप मोटे केले लेने के लिए ट्राई कीजिएगा, मेरे को जैसे मिले मैंने वो लिए हैं, मेरे को ज़्यादा मोटे नहीं मिले। तो दोस्तों दो तरीके से बनाने हैं, तो हम दो दो केलों को अलग डिवाइड कर लेते हैं। हम दो केलों का बनाएंगे मैरिनेशन, तो उसके लिए मैंने सरसों का तेल लिया है, कुछ सरसों के दाने लिए हैं, हरी मिर्च लिया और ये लहसुन लिया है, और बाकी को हम करेंगे बॉयल। ठीक है, तो हम पहले बॉयल के लिए ये कच्चे केलों को हम काट लेते हैं। मैंने पहले इनके ऊपर का पार्ट काट दिया है, इनको हाफ ऑफ कर दिया है। अब इनको हम एक बाउल में डाल के इसके ऊपर डालेंगे पानी, और इसको हमने बॉईल करना है। इसको हमें ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, हाफ से भी कम बॉईल करना है। ठीक है ना, अब इसको हम रखेंगे बॉईल करने के लिए, और जो हमने केलों का मैरिनेशन तैयार करना है उसको भी हम छील लेते हैं। उसको हमने काटना नहीं है, उसको हमने छीलना है। जी हाँ दोस्तों, ऊपर वाला पार्ट हमने काट लिया है, इसको हम पतला पतला छीलेंगे। आप पिलर से छीलेगा, अगर चाकू से आप पतला जितना पतला छील सकते हैं उतना छीलेगा। ठीक है, हम इनको पतला पतला छील लेते हैं। ये देखिए मैंने छील लिया, अब हम इसको सेंटर में से कट करेंगे। इसके हम दो या तीन पार्ट करेंगे, जिस हिसाब से आपका केले की मोटाई है आप उस तरीके से कीजिएगा। मैं तीन कर रहा हूँ, ज्यादा मोटा भी नहीं रखना, ज्यादा पतला भी नहीं करना। ठीक है, मैं इस केले के तीन पार्ट करें ऐसे लंबे लंबे, आप देख लीजिए ऐसे करे हैं मैंने। दोनों केलों को ही मैं ऐसे डिवाइड कर लेता हूँ तीन पार्ट में, तीन तीन पार्ट मैंने दोनों केलों के कर दिए हैं। अब हम मैरिनेशन के लिए इसका मसाला तैयार करते हैं, उसके लिए मैं ये हरी मिर्चें ग्राइंडर में डाल रहा हूँ, साथ साथ मैं डाल रहा हूँ इसमें लहसुन, और ये डालूंगा साथ में जो मैंने सरसों के दाने लिए थे। इसमें सरसों के दाने जरूर डालते हैं, क्योंकि मछली जो फ्राई होती है बनती है सरसों से ही बनती है, तो ये सरसों के दाने बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी ज़रूर डालिएगा। मैं एक सूखी लाल मिर्च भी इसमें डाल रहा हूँ। ठीक है, अब हम इनको कर लेते हैं ग्राइंड, थोड़ा सा पानी मिला के ग्राइंड कर लीजिएगा, मैं भी इनको ऐसे ही ग्राइंड कर लेता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। इन कच्चे केलों को हमने गैस पर रख दिया है, और इसको हम चार से पाँच मिनट बॉयल करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। मैरिनेशन वाले केले तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने कच्चे केलों पर थोड़ी डाल दी है हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा गर्म मसाला, ये है धनिया पाउडर काफ़ी सारा, और मैं डालूंगा नमक स्वाद अनुसार, और मैं इसमें डाल रहा हूँ लगभग आधा नींबू का रस, और इसमें मैं डालूंगा ये पेस्ट जो भी हमने लहसुन और हरी मिर्च और सरसों के दाने डाल के तैयार की थी ना, मैंने इसको पानी डालकर थोड़ा ग्राइंड कर लिया था, वो इसमें हम तीन से चार चम्मच डालेंगे। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बतानी भूल गया था, उसमें हमने अदरक भी ज़रूर डालनी है। अदरक लहसुन का पेस्ट हमने तैयार किया था, मैं वीडियो में दिखाना भूल गया था, मैंने ग्राइंड करते टाइम अदरक डाल दी थी, तो आप भी ज़रूर डालिएगा। और मैं इसमें डाल रहा हूँ दो से तीन चम्मच सरसों का तेल। जी हाँ दोस्तों, सरसों का तेल ही आपने यूज़ करना है, आप इसमें दही वगैरह मत डालिएगा। सरसों के तेल से इसमें अच्छा टेस्ट आता है, जो मसाले जो है सरसों के तेल में अच्छे से सोख होंगे वही अच्छा आपको टेस्ट देंगे मछली का। ठीक है, इसको हमने अच्छे से एक एक केले के पीस को हमने मसाले में कोट करना है, मसाला हमने बहुत अच्छे से मैरिनेट करना है इसके ऊपर, बड़े अच्छे से मसाला लगाना है, तभी इसका अच्छा टेस्ट आएगा। बहुत अच्छे तरीके से आप मसाला लगाइए, और इसको हम रखते हैं आधा घंटा फ्रिज में। जो दूसरे तरीके से हमने फिश बनानी थी, जो हमने केले बॉयल किए हैं, उसके लिए हम बेसन घोल लेते हैं। मैंने दो से तीन चम्मच बेसन लिया है यहाँ पे, इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च, आधा चम्मच मैंने इसमें डाली है हल्दी, और थोड़ा सा इसमें डाला है मैंने धनिया पाउडर, थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगा गरम मसाला, और वो हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने ग्राइंड किया था, दो चम्मच मैं वो डाल रहा हूँ। इसको हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इस बेसन को घोल लेते हैं, सारा पानी इकट्ठा मत डालिएगा,
थोड़ा थोड़ा करके इसको घोलिएगा ताकि इसमें लम्स ना पड़े। अब थोड़ा पानी डाल के इसको हमने मीडियम कंसिस्टेंसी का, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला, इसका हमने घोल तैयार कर लेना है। ठीक है, हमारा घोल देखिए तैयार हो गया है। और ये हमने सूखा बेसन भी लेना है, वो मैं अभी दिखाऊंगा क्यों लेना है। ठीक है, इसमें हमने डाली थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक, क्योंकि उसमें घोले बेसन में भी नमक है ना, इसको हम मिक्स कर लेते हैं। आगे चलते हैं। ये जो केले हमने बॉईल किए थे वो आ गए हैं बॉईल होके, अब हम इनको कट कर लेते हैं। इनका छिलका उतार के हम इनको बीच में से कट कर लेंगे, एक केले के दो पीस कर लेते हैं। ये केले पूरे तरीके से गले नहीं है, ज़्यादा बॉईल नहीं करने हैं आपको, सिर्फ इनको हाफ बॉईल करना है, ताकि अभी हम इनको फ्राई करें तो ये पूरे तरीके से गल ना जाएं। मैं इन बीच में से कट कर लिया है छील के, और इसको हम थोड़ा प्रेस कर लेते हैं। कि मैंने सब केलों को थोड़ा थोड़ा प्रेस कर दिया है। अब हम इन केलों को डिप करेंगे अपने सूखे बेसन में। तो मैं बताता हूँ क्यों करेंगे ऐसा, क्योंकि जब हम इनको फ्राई करेंगे इन केलों में मॉइस्चर है, केले में मॉइस्चर होता ही आप सबको पता है। तो जब हम इसको लिक्विड वाले बेसन में डिप करेंगे और हम कढ़ाई में डालेंगे तो सारा बेसन छूट ना जाए। जैसे कि हम देखते हैं घरों में पकौड़े बनाते हैं तो कई बार बेसन चढ़ता नहीं है पकौड़ों पर, तो ये वही तरीका है। आप भी इसको घर पर किसी भी पकौड़े की तरह ट्राई कर सकते हैं। हमने सारी फिश के पीस अपने सूखे बेसन में डिप कर लिए हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हमने इसको करना है फ्राई। कढ़ाई मैंने तेल गरम कर लिया है। देखिए ये हमारी सारी फिश के पीसेस हैं जो सूखे बेसन में हमने कोट करे हुए हैं, और ये हमारा घुला हुआ बेसन। हमने एक पीस उठाना है, घुले हुए बेसन में डिप करना है, इसको कढ़ाई में डाल देना है। ऐसे ही मैं सारे अपने फिश के पीसेस, कच्चे केले के पीसेस जो हमने बॉयल किए थे वो हम इसमें डाल देते हैं। और डालते ही आपको पता है ना, इनको टच नहीं करना है बिल्कुल भी, जब तक ये हल्के ब्राउन नहीं होते। देखिए हल्के ब्राउन के बाद मैं इनको पलट रहा हूँ, आप भी ऐसे ही कीजिएगा। और ज़्यादा जलाना नहीं है आपने इनको, बहुत ज़्यादा ओवर कुक इनको नहीं करना। देखिए ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, हमें ऐसे ही चाहिए। अब मैं इनको बाहर निकाल लेता हूँ। अब मैंने ये बेसन वाली फिश कढ़ाई से बाहर निकाली है, फ्राई हो गई है। और ये मैरिनेशन वाली जो हमने मैरिनेट किए थे कच्चे केले, जो हमने फिश मैरिनेट की थी, वो भी हम अब कढ़ाई में डाल देते हैं। उसी तेल में फ्राई कर रहा हूँ मैं। पहले ये मत कीजिएगा, क्योंकि जो हमने मैरिनेट किया था उसका मसाला तेल में चला जाता है। तो ये अगर आप दोनों बना रहे हैं तो ये बाद में डालिएगा, अगर आप एक बना रहे हैं तो आप जैसे मर्जी फ्राई कीजिएगा। अब जैसे डाले हुए मुझे थोड़ी देर हो गई है, तो मैं स्पून से इनको पलट लेता हूँ, और इनको अच्छे से हमने गोल्डन ब्राउन करना है। इनको भी ज़्यादा हमने क्रिस्पी नहीं करना है। अगर आप पकोड़े बना के खा रहे हैं, जी हाँ, आप इसके पकोड़े ही बना खा सकते हैं, तो आप इसको क्रिस्पी कीजिएगा। चलिए ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने लिए हैं दो टमाटर, दो प्याज, सूखे मसालों में ये है सूखा धनिया, ये लिया है मैंने गर्म मसाला, ये है कश्मीरी लाल मिर्च, तीखे बनने के लिए लाल मिर्च मैं बाद में डालूंगा, ये है हल्दी। खड़े मसालों मैंने लिया है जीरा है, लाल मिर्च है, लौंग है और काली मिर्च है, और ये है नमक स्वाद अनुसार। कड़ी पत्ते लिए हैं कुछ, और कुछ लिया हरा धनिया। और अब प्याज और ये टमाटर को हमने ग्राइंड कर लिया है। कढ़ाई में तेल गर्म हो गया है, अब इसमें हम डाल देते हैं अपने सारे खड़े मसाले, और हल्का सा इनको भूनना है हमने। और हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और जैसे ही अदरक लहसुन का पेस्ट भुन जाएगा मैं इसमें डाल दूंगा प्याज जो हमने ग्राइंड किए थे, जो हमने प्यूरी बनाई थी। प्याज इसमें मैंने डाल दिए हैं। अब हमने इन प्याज को अच्छे से भूनना है, अच्छे से बोले तो बड़े ही अच्छे से हमने इनको भूनना है, ना इनको ट्रांसलूशन करना है, ना कोई हमने इनका कलर चेंज करना है, पिंक नहीं करना है, बिल्कुल अच्छे से ब्राउन करना है। बड़े तरीके से टाइम लगा के इसको हमने भूनना है प्याज को, इसको स्टर करते रहना है ताकि प्याज लगे भी नहीं और अच्छे से पक जाए और ब्राउन हो जाए। अब ये हाफ भुना है अभी। अब इस पोजीशन में डाल रहा हूँ इसमें कड़ी पत्ता। अब ये पूरी तरह से प्याज नहीं भुना है, अभी मैं इसको और अच्छे से भूनूंगा। ये देखिए प्याज ने अच्छे से तेल छोड़ दिया है, अब ये भुना गया है। देखिए अब मैं इसमें डालूंगा टमाटो प्यूरी जो हमने ग्राइंड करी थी। अब बारी आती है टमाटर की। टमाटर को भी मैं वही बोलूँगा, बड़े अच्छे से भूनना है हमने।
अब इसमें टमाटर पकाने के लिए मैंने इसमें डाल दिया है नमक। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और ये देखिए टमाटर को भी मैंने बड़े अच्छे से भून लिया है, टमाटर का सारा पानी सूख गया है, तेल भी छोड़ दिया। फिर मसाले डाल रहा हूँ मैं, मैंने डाल दिया हल्दी, मैंने डाल दिया इसके अंदर लाल मिर्च, ये मैंने सूखा धनिया जो लिया था मैंने, और ये थोड़ा सा मैंने डाली इसमें काली मिर्च। ठीक है, इनको हम मिक्स कर लेते हैं और अब मसालों के साथ इसको हम भून लेते हैं ताकि मसाले भी अच्छे से भून जाएं। ठीक है, अब हम इनको अच्छे से भूनते हैं दोबारा से स्टर कर करके इसको हमने। ये देखिए कितने अच्छे से प्याज और टमाटर का मसाला भुना है, देख रहे हैं ना। अब इसको और पकाने के लिए मैं इसमें डालता हूँ 1 गिलास पानी। ये सब्जी थोड़ी सी लिक्विड ज्यादा रहती है तो इसमें हमने पानी का यूज ज्यादा करना है। मैंने 1 गिलास पानी डाला है और आप जितना अपनी मर्जी के हिसाब से डाल सकते हैं। अब हमने इसे 5 मिनट ढक के पकाना है। 5-6 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसका ढक्कन हटा दिया है। ये देखिए सब्जी का कलर कितना बढ़िया आया है ना। इसको हम थोड़ा सा चेक करते हैं। ये देखिए इसको हमने ज्यादा नहीं गाढ़ा करना क्योंकि ये सब्जी पतली ही रहती है। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ कसूरी मेथी। अब बारी आती है हमारी फिश इसमें डालने की। मैं सारी फिश इसमें नहीं डालूंगा, मैंने 4 इसमें डाले हैं बेसन वाले और 4 ही डाले हैं मैरिनेशन वाले। आप जितना चाहे डाल सकते हैं, दोनों अलग अलग सब्जी बनाएंगे तो आप ऑब्वियस अपने हिसाब से ही डालेंगे। मैं दोनों इकट्ठे बना रहा हूँ, बट जब आप बनाएगा आप अलग अलग बनाइएगा। ठीक है, अब जो बच जाएंगे वो तो मैं ऐसे ही खाने वाला हूँ। अब इनको हमने अच्छे से पकाना है दोबारा से ताकि जो हमारी फिश हैं केले हैं वो अच्छे से पक जाएं ग्रेवी के साथ। मैंने साथ में इसमें डाल दिया है हरा धनिया। और अब फिर से मैं इसको 5 से 7 मिनट ढक के पकाऊंगा और उसके बाद इसकी करेंगे प्लेटिंग। ये देखिए तैयार है हमारी सब्जी बिल्कुल। कलर देखिए कितना लाजवाब आया है, देखिए लग रही है ना बिल्कुल फिश की तरह। खाने में भी ये बहुत टेस्टी होगी। ये देखिए 2 तरीके की मैंने बनाई थी, दोनों तरीके से कितनी लाजवाब लग रही है। करते हैं इसकी प्लेटिंग, डालते हैं इसको प्लेट में। ये कितनी अच्छी इसकी ग्रेवी है, कितनी सिल्की, कितनी बढ़िया ग्रेवी है इसकी। मैंने ये मैरिनेशन वाली है वो 1 प्लेट में डाल दिया है और जो दूसरी वाली है बेसन के साथ जो मैंने फ्राई करी थी वो मैं अलग प्लेट में डालूंगा। दोनों को अलग अलग ट्राई करेंगे क्योंकि हम वैसे तो अलग अलग बनाते हैं, दोनों इकट्ठी हम नहीं बनाते। मैंने आपके लिए दोनों तरीके की इकट्ठी बनाई है। ठीक है, अब हमने दोनों तरीके की दोनों अलग अलग प्लेट्स में डाल दी हैं। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। और ये जो बच गए पकौड़े इन पर डालते हैं चाट मसाला और ये क्रिस्पी पकौड़े। आप चाय के साथ ऐसे खाइए, बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छे लगते हैं पकौड़े ये, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कि हमारी फ़िश करी बिल्कुल रेडी है, 2 तरीके की फ़िश करी दोनों रेडी है। आपको जो पसंद आए वही बनाइएगा, बहुत अच्छी लग रही है। लग रही है ना एकदम नॉन वेज, कोई देख के नहीं कह सकता कि ये वेजिटेरियन है। तो दोस्तों आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा, कमेंट करके बताइए कैसी बनी है। और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं आपके लिए जल्दी ही एक नई रेसिपी लेके आऊँगा। दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।